अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। वर्ड प्रॉब्लम है, करते हैं, आसान है, कठिन नहीं है। क्या लिखा है देखिए, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालने हैं, हूज सम इज 27। हमें दो नंबर निकालने, उन दोनों का सम कितना है, 27 है, और उनका प्रोडक्ट कितना है, 182 है। तो हमें यहाँ पर दो नंबर निकालने हैं, दोनों का सम है 27 और दोनों का प्रोडक्ट है 182। तो अब कैसे निकालें हम ऐसे दो नंबर जिनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, दोनों का सम 27 है, कितना है, 27 है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा पहला नंबर 10 है, अगर मैं ऐसी मान लो, लेट करते हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरा पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस 10, 17। कैसे, देखो दोनों नंबर का सम कितना था, 27 था कि नहीं, दोनों नंबर का सम था 27। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा 17 होगा, तभी ना 10 प्लस 17 27 होगा। या अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा वाला कितना होगा, सम में से 10 को घटाओ, सम कितना है 27, 27 में से 10 को घटाया कितना है, 17 आया। तो ऐसे ही अभी वो तो लेट किया ना, 10 है पता थोड़ी, तो दो नंबर का सम 27 है। मान लो अगर पहला नंबर एक्स है, अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हुआ, जैसे पहले किया, जैसे पहला नंबर 10 था तो दूसरा नंबर कैसे निकला था, 27 माइनस 10, सम में से 10 घटाया ना पहला नंबर। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, अगर पहला नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर का सम 27 है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कैसे आएगा, 27 में से x घटा के। अब इसका सम का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, सम 27 का तो इस्तेमाल कर लिया, प्रोडक्ट बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। पहले नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है, तो x इनटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 182। अपन को दोनों नंबर निकालने हैं, फाइंड टू नंबर्स। कैसे होगा, ये x इस ब्रैकेट के बाहर, तो x इससे भी इनटू होगा और x इससे भी इनटू होगा। x इनटू 27, 27x माइनस साइन है, x इनटू माइनस x माइनस x स्क्वायर, x इनटू x, x स्क्वायर होता है, इक्वल टू 182। एक काम करते हैं, सभी को उधर ट्रांसफर करते हैं, इधर बचेगा जीरो, माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा, पॉजिटिव x स्क्वायर हो जाएगा, 27x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 27x, और 182 उधर पहले से। अब ये टाइप वाले क्वेश्चन को तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि अगर इक्वेशन बनती तो रूट कैसे निकलता है ना, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता दिया था। तो कैसे करते थे, पहले डिजिट और लास्ट डिजिट को इनटू करते थे, पहले डिजिट क्या है यहाँ पर 1, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 182, तो 1 को 182 से अगर आप इनटू कर लेते हो तो 182 आता है। फिर 182 के ऐसे फैक्टर चाहिए जैसे प्लस माइनस करने कितना है 27, तो उसको स्प्लिट करते हैं तो 1 इंटू 182 आ जाएगा 182, और 182 के मैं जल्दी से फैक्टर्स निकाल रहा हूँ क्या आ जाएंगे, 182 कब आएगा, 13 इंटू 14 करने में आएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 13 और 14 को इंटू करने पे 182 आ रहा है, और 13 और 14 को प्लस करने कितना आएगा 27, लेकिन माइनस 27 चाहिए, तो कैसे निकालोगे, माइनस 14 माइनस 13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182। पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x अंदर बचेगा और 14x में से x निकाल लोगे तो 14 बचेगा, ऐसे यहां पर क्या कॉमन होगा, 13 ही कॉमन होगा, तो यही चीज वापस मिलेगी x माइनस 14। दो सेम ब्रैकेट है, एक है x माइनस 14, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक है x माइनस 13, इसे भी जीरो के इक्वल रखेंगे, तो x आ जाएगा 14 और एक x आ जाएगा 13। ये हो गया, देखिए दोनों नंबर का सम कितना आ गया, 27, 14 और 13 ही ऐसे नंबर जिनका सम कितना आएगा 27। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर आपको मिल गया। चलिए यहां पे आते हैं, यहां पे क्या लिखा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था, एक के बाद एक नंबर, अगर पहला नंबर 2 है तो प्लस 1 करो, अगला नंबर 3 मिलेगा, अगर पहला नंबर 5 है तो प्लस 1 करो, 6 मिलेगा। तो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर अपन को लेट करने हैं, तो अगर पहला नंबर x है तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो कंसेक्यूटिव वाले में सारे में ऐसे ही होता है। तो यहां पर लेट फर्स्ट नंबर bx
और सेकेंड नंबर हो जाएगा यहां पर x प्लस वन। अब यहां पे क्या लिखा है देखते हैं, दो कंसेक्यूटिव लेने थे अपन ने ले लिया, आगे क्या लिखा है सम, किसका सम ऑफ हूज, मतलब इन दोनों का सम, कैसे सम करना है, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, मतलब इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना आएगा 365। इस चीज को समझना, सम ऑफ हूज स्क्वायर, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365, तो ऐसे नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। शायद आप समझ गए होंगे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए थे, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 361, उन दोनों के स्क्वायर का सम, स्क्वायर करके सम कितना हो 365। अब एक्स स्क्वायर होता है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज प्लस 1, 365 इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल टू 0। ये तीनों 2 से डिविजिबल है, जब सारी डिजिट इक्वल के इधर और इक्वल के उधर सेम चीज से डिविजिबल हो तो अपन डिवाइड लगा सकते हैं, तो सभी को 2 से डिवाइड लगा दिए, देखो इक्वल के उधर 0 है, 0 को 2 से डिवाइड लगाओगे सेम ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड लगाया एक्स स्क्वायर आया, 2x को 2 से डिवाइड लगाया x आया, और 364 को अगर आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 182 इक्वल टू 0। अब आपको वापस से वही डिजिट मिल गई, 14 और 13 करेंगे माइनस में, देखो यहां पर भी 182 था ना, अब आप देख लो वापस करने, ये 1 इंटू 182 कितना होगा 182, अब 182 आता है 13 और 14 इंटू करने में, और 13 और 14 को माइनस करने 1 आएगा, वही तो अपन को चाहिए इसमें, तो क्या आएगा फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए ना, तो 14 माइनस 13, अगर आप 13 माइनस 14 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, अपन को 1 चाहिए, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, इन दोनों में x बाहर लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, इन दोनों में माइनस 13 बाहर लेंगे तो x प्लस 14 आएगा इक्वल टू 0, तो यहां से x माइनस 13 एक ब्रैकेट बनेगा और एक बनेगा x प्लस 14, यहां से x की वैल्यू एक आ जाएगी 13 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, ये रहे कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए। अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे अपन, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, अगर अपन एक राइट ट्रायंगल पहले से बना दें ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, अल्टीट्यूड, ठीक है, तो अल्टीट्यूड की बात हो रही, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जो अल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, ये जो अल्टीट्यूड है ना ये 7 सेंटीमीटर कम है, लेस बोला ना लेस, कम है, किससे कम है बेस से, ये अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो अगर मुझे बेस पता होता तो मैं उसमें से 7 घटाता तो अल्टीट्यूड ना आ जाता, क्योंकि लिखा है ना देखो अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो अगर मेरे पास बेस होता तो मैं बेस में से 7 घटाता तो अल्टीट्यूड आ जाता कि नहीं, तो मेरे पास बेस होना चाहिए ना उसके लिए, नहीं दिया, चलो ठीक आगे पढ़ते हैं। If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, hypotenuse direct बोला 13 सेंटीमीटर, find the other two side, बाकी के दो साइड, अब बाकी के दो साइड तो अननोन है, किसी एक को x लेना ही पड़ेगा अपन को, देखते हैं किसको ले सकते हैं, यार ये तो क्लियर ना hypotenuse 13 डायरेक्ट, देखो अल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, अब आप सोचो अगर अल्टीट्यूड बेस से 7 कम है तो x किसको लेंगे, बेस को लेंगे, क्योंकि अगर बेस को मैं x लेता हूं तो जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है ना, तो बेस से 7 कम हो गया, ये हो गया अल्टीट्यूड, तो अपन क्या लिख सकते हैं लेट
बेस इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड बोला सात कम है बेस से, बेस तो एक्स है तो बेस से सात कम, और हाइपोटेनस को लेट थोड़ी, हाइपोटेनस तो दिया ही गया 13। अब आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर x माइनस 7 तो x माइनस 7 स्क्वायर, प्लस बेस, बेस है x तो x स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 7 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 14x वाले टर्म को मैं बीच में लिख रहा हूँ, माइनस 14x, ये साइन उठा के प्लस 49 एज इट इज, देखो प्लस 49 एज इट इज, माइनस 14x एज इट इज, 169 को उधर ले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, लाइट टर्म था ना 169 और 49 तो एक साथ कर लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए एक दो तीन, तीनों टू से डिविजिबल है, टू से डिवाइड लगाते हैं, जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14 डिवाइड बाय 2 7, ये आ जाएगा 60। स्प्लिट करना, ये 1 है और ये क्या है 60 है, 1 इंटू 60 60 होता है, 60 के ऐसे फैक्टर से ये जैसे प्लस माइनस करने में कितना आ जाए 7 आ जाए, तो आप सोचो ये कैसे पॉसिबल है कि 60 के ऐसे फैक्टर जैसे प्लस माइनस करने 7 आए, तो 60 जो है आखिरी में जीरो लगा है, या तो 10 की टेबल या तो 5 की टेबल में, 5 इंटू 12 60 होता है कि नहीं, और 5 और 12 को माइनस करो 7 आता है, तो 5 और 12 लगेगा यहाँ पर, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब माइनस 7 चाहिए, तो 5 और 12 में माइनस 7 कैसे आएगा, जब माइनस 12 प्लस 5 लिखेंगे तभी ना माइनस 7 आएगा, तो इसे लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, पहले दो में x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 12, इधर 5 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 12, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 12 और x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 5। ठीक है, अगर आप ना समझ पाए तो पूरा करके आपको दिखा देता हूं मैं, यहां पर x माइनस 12 कॉमन ब्रैकेट है और ये x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 12 पॉजिटिव 12 हो जाएगी और प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी माइनस 5। अब यहां पर जो दो दो वैल्यू चल जाती थी क्योंकि ये नंबर्स थे, यहां पर x साइड है बेस है तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, x की वैल्यू माइनस 5 नहीं चल सकती क्योंकि x क्या है बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा यहां पर 12, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड बेस में से 7 घटाना था 5 सेंटीमीटर, ये आ गए दोनों साइड। क्या लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसर्स मतलब बनाती है सर्टेन नंबर, कुछ नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है, अब कुछ आर्टिकल्स बनाती है कितने बनाती है हमें नहीं दिया है, तो हम कितना ले लेंगे यहाँ पर x ले लेंगे कि x आर्टिकल्स बनाती है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसमें लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x आर्टिकल्स पर डे। ठीक है, हमने मान लिया कि कॉटेज इंडस्ट्री रोज कितने आर्टिकल्स बना रही है, x आर्टिकल्स बना रही है क्योंकि यहां लिखा था सर्टेन आर्टिकल्स पर डे। अब आगे आते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व, ये देखा गया ऑन ए पर्टिकुलर डे किसी भी दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का कॉस्ट ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट वॉज है 3 मोर, 3 ज्यादा, किससे 3 ज्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कठिन नहीं है, देखना, किसी दिन ये देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, आर्टिकल कितने बनाए हमने, एक्स आर्टिकल्स बनाए,
अब बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट वॉज, वॉज का मतलब इक्वल, थ्री मोर, थ्री मोर, थ्री मोर ऐसे तो लिखा जाएगा, थ्री प्लस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू इन टू, किसका ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, एक्स। ये देखिए कितना आसान था। तो हमें दो चीजें मिल गई, एक तो हमने कितने आर्टिकल्स बनाए हैं, दूसरा हर आर्टिकल को बनाने, एक आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट। अब आगे देखो क्या लिखा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, उस दिन का बनाने का खर्चा टोटल कितना आया, 90। अब ये 90 रुपीज आया कैसे होगा, मान लीजिए आप बनाते हैं, मतलब 90 आया ना खर्चा, तो मान लो 10 चीजें बनाते हो, कितने बनाते हो 10, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हो 10, है ना, 10 10 आर्टिकल बनाते हो, हर आर्टिकल को बनाने कॉस्ट है 9 रुपीज, हर आर्टिकल को बनाने कॉस्ट कितना है 9 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 आर्टिकल बनाए आपने और 9 रुपए एक को बताने कॉस्ट, तो 10 × 9 कितना हुआ 90, तो इंटू करने पे 90 आता ना, क्या इंटू किया, कितने आर्टिकल बनाए हैं और हर आर्टिकल को बनाने कॉस्ट, कितने आर्टिकल बनाए हैं 10 और हर आर्टिकल को बनाने कॉस्ट 9, तो 90 आ रहा है। ये तो मैंने ऐसी अपने से नंबर लिया, तो मतलब 90 में बताना चाहता था कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 कब आता है, जब हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हर आर्टिकल को बनाने कॉस्ट से इंटू करते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने x, हर आर्टिकल को बनाने कॉस्ट है 3 + 2x, तो जब दोनों को इंटू करोगे तभी ना आपको कितना मिलेगा 90 मिलेगा। तो बस अब हमारा क्वेश्चन आसान हो चुका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 3 + 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, x का इससे इंटू करेंगे 3 × x 3x हो जाएगा, x इंटू 2 2x² इक्वल टू 90 को उधर लाएंगे, थोड़ा सा शफल करेंगे, 2x² को पहले लिखेंगे, 3x को बाद में लिखेंगे, माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 2x² पॉजिटिव था, 3x पॉजिटिव था, 90 इधर आके नेगेटिव हो गया, 2 × 90 180 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे प्लस माइनस करने में कितना आए 3 आए, तो 180 में प्लस माइनस करने 3 आए, 15 × 12 3 आएगा ना, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x, 15 माइनस 12 करोगे तभी तो 3 आएगा, 15 और 12 को इंटू करने में 80 आएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है x को छोड़ के, तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, 15x का x चला गया 15, इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो माइनस 6 बाहर निकाला तो ये बचा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, माइनस 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा, यहां पर x की वैल्यू आएगी प्लस 15, उधर जाके नेगेटिव 15 और 2 नीचे, ये x था क्या, क्या था ये x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब उस दिन कितने आर्टिकल बनाए हमने, 6 आर्टिकल बनाए हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 6 और हर आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट 3 + 2x 3 + 2 × 6 15, देख लीजिए 15 और 6 को इंटू करोगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये हुई एक्सरसाइज 4.2, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3, जब तक आप ये चीज़ रिवाइज कर लीजिए।